अभी के टाइम में जो है हर इंसान के पास जो है बड़ा वाला सेट होता है मोबाइल का, और अपने मोबाइल में वो तरह तरह के फोटो फाइल इम्पोर्टेंट वीडियो होता है वो बना कर रखता है, शादी का फंक्शन का, या जो है अपना एटीएम कार्ड हुआ या पासबुक का फोटो हुआ, उस सब का जो है फोटो खींच के अपने मोबाइल में सेव करके रखते हैं। और इस सिचुएशन में उसका मोबाइल जो है चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो वो पर्सन जो है बहुत ही परेशान हो जाता है कि मेरा जो मोबाइल चोरी हो गया है वो कैसे जल्दी से जल्दी उसको जो है बंद कराए, या पुलिस स्टेशन में जाकर कैसे उसको FIR कराए, या जो है आप परेशान रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जाए दुकान वाले के पास, साइबर कैफे में जाए और वहाँ पर जो है अपने सिम को बंद करा ले। तो मैं आपको एक ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप घर बैठे अगर आपका कोई भी मोबाइल जो है चोरी हो जाता है तो आप बहुत ही इजी तरीके से आपके मोबाइल में कुछ भी इम्पोर्टेंट फ़ोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, फाइल है, आप जो है एटीएम कार्ड का पिन जो है लिख के फ़ोटो खींच कर रखे हुए हैं या पासबुक का फ़ोटो खींच कर रखे हुए हैं अपने मोबाइल में और वही मोबाइल आपका चोरी हो जाता है, तो आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत है ही, क्योंकि आपके अकाउंट से, आपके एटीएम कार्ड से आपके कोई भी जो मोबाइल चुराया है, जो लिया है, वो जो है आपके अकाउंट से पैसे उड़ा सकता है। तो आपको जल्दी से जल्दी कैसे बंद करना है, कैसे उसको जो है जितने डेटा है, फाइल, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो जो भी है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी जो है डिलीट करना है, तो मैं आपको एक ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे ही एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही ईजी तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही ये काम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मैं एप्लीकेशन बताऊँगा, ऐप बताऊँगा, उस ऐप को आपको क्या करना है, जो भी मोबाइल आप चला रहे हैं उसमें इंस्टॉल कर लेना है और अपने ईमेल आईडी डाल के या फ़ोन नंबर डाल के आप उसको लॉगिन कर लेना है और उसको छोड़ देना है। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल गुम हो जाए, क्योंकि अभी के टाइम में जो है 8-10 हज़ार से ऊपर का ही जो है मल्टीमीडिया सेट होता है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आपका मोबाइल जो है गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप जो है ये ऐप जो इंस्टॉल करके रखे रहिएगा, तो आप जो है यही ईमेल आईडी जो इसमें दिए रहिएगा या फ़ोन नंबर दिए रहिएगा, वही ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दूसरे मोबाइल में यही ऐप जो है इंस्टॉल करके, ईमेल आईडी डाल के, फ़ोन नंबर डाल के उसमें लॉगिन होकर दूसरे मोबाइल में अपने मोबाइल का सारा डेटा, फाइल, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, सारा का सारा एक ही क्लिक में उसको जो है आप डिलीट करके हटा सकते हैं। और जो है वो पर्सन जो भी मोबाइल आपका चोरी किया है या आपका लिए हुआ है, वो पर्सन आपके मोबाइल से कुछ भी नहीं मिस यूज कर पाएगा। मैं ही बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ही ईजी तरीका से ये काम कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है, आपको इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पड्डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिना कहीं रुके। तो मैं आपको ऐसे ही एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजी तरीका से अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है और आपके मोबाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो फाइल कोई डॉक्यूमेंट रख रखते हैं, शादी विवाह का फोटो है, कोई फंक्शन का फोटो है, या एटीएम कार्ड या आपके जो है पासबुक का फोटो जो है उसमें घीच करके उसमें सेव करके रखे हुए हैं, तो आपको टेंशन आना ही चाहिए, आपको परेशान होना ही चाहिए। लेकिन अब जो है आप परेशान नहीं होइए, मैं आपको एक ऐसे ही ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप एक ही क्लिक में सारा डेटा आप जो है उड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं। मैं जो ऐप बताने वाला हूं, जो एप्लीकेशन बताने वाला हूं उस ऐप से, तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से अपने मोबाइल के जो भी डेटा है, जो भी फाइल, फोटो, वीडियो, ऑडियो हो, उसको एक ही क्लिक में आप कैसे हटा सकते हैं और जो भी मोबाइल आपको लिया हुआ है उस पर आप जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं कि भैया आप मेरा मोबाइल वापस कर दो, या आप जो है उसको मोबाइल नंबर डाल के भी आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं, कुछ भी आप टाइपिंग करके उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं कि भैया मेरा मोबाइल जो है वापस कर दे। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही ये काम कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको प्ले स्टोरी को ओपन कर लेना है और प्ले स्टोरी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है गूगल
फाइल माई डिवाइस। यहाँ पे देखिए आ चुका है गूगल फाइल माई डिवाइस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए कि आपको जो है बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 मिलियन जो है डाउनलोड हुआ है और यहाँ पे जो है 1.7 MB का है, तो ज़्यादा का है भी नहीं। तो अभी यहाँ पे जाकर आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो इंस्टॉल वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड होने के बाद ओपन का ऑप्शन आ चुका है, तो ओपन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, आपके मतलब जो भी ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी से आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो क्लिक करते ही आपका ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप चाहते हैं कि हम नया ईमेल आईडी बनाए, तो यहाँ पे देखिए साइन एस गेस्ट वाले आपको क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है आप नया ईमेल आईडी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, नया ईमेल आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आप जो बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो है उसको जो है नेक्स्ट करके लॉगिन हो सकते हैं। और नया ईमेल आईडी आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट, यहाँ से आप नया ईमेल आईडी डाल के बना सकते हैं। चलिए हम मेरे पास है ही, मैं यहाँ से जो है बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू एस नाम जो है नाम वाले पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो भी आप ईमेल आईडी सेलेक्ट की है उसका पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको साइन इन पर क्लिक करना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर देखिए कि फाइल माई डिवाइस यहाँ पे आपका ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे और अलाउ वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अलाउ वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी लोकेशन है आपका लोकेशन यहाँ पर सर्च हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपका कौन सा मोबाइल है जो आपका मोबाइल यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे यहाँ पर गैलेक्सी J7 है। यहाँ पर देखिए बैटरी का कितना परसेंट है, जैसे यहाँ पर 84% है, तो ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ऊपर में जो है 84% बैटरी है और कौन सा सिम लगा है वो भी आपको यहाँ पर शो देता है। नीचे एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्ले साउंड, तो आप जो है आपका कोई मोबाइल जो है चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप उस मोबाइल पर जो है प्ले साउंड करके जो है आप साउंड भेज सकते हैं। यहाँ पे सिक्योर डिवाइस जो है सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ से आपको भी मैसेज जो है आप उस मोबाइल पर सेंड कर सकते हैं। जैसे आप सेंड कर सकते हैं भैया आप मेरा मोबाइल वापस कर दो, या मेरा भैया मोबाइल भाई चोरी कर लिए हो तो वापस कर दो, या मेरा मोबाइल गिर गया था अगर आप ले लिए हो तो वापस कर दो। तो इस तरीके से जो है आप कुछ भी लिख के आप जो है सिक्योर डिवाइस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा। इसके बाद जो है नीचे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इरेज डिवाइस, तो आप अपने मोबाइल में जो भी डेटा अगर आप है तो आप चाहते हैं अगर आपके मोबाइल में कोई भी डेटा जैसे फोटो या कोई डॉक्यूमेंट हो गया या आपका एटीएम कार्ड हो गया या एटीएम कार्ड का पिन हो गया या कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपके मोबाइल में फोटो वगैरह रहता है, अभी के टाइम में तो मोबाइल के बिना कुछ काम ही नहीं होता है, तो सभी कुछ आप जो मोबाइल में से ही होता है तो मोबाइल में आदमी भर भर कर रखता है, तो आप जो यहाँ से इरेज डिवाइस पर क्लिक करके आप दूसरा मोबाइल से जो मोबाइल हरा गया है उसका सारा डेटा जो है आप यहाँ से आप एक ही बार में क्लिक करके उसको उड़ा सकते हैं। तो वो कैसे उड़ाएंगे मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको पूरा से सेटिंग कर लेना है। अब जो है कोई दूसरा आपको मोबाइल लेना है, अब कोई दूसरा मोबाइल लेंगे और जो भी ऐप इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं वही ऐप इसमें इंस्टॉल करेंगे और जो भी ईमेल आईडी इसमें आप जो है लॉगिन किए थे वही ईमेल आईडी आपको डाल के इसमें लॉगिन कर लेना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले जो मैं ये ऐप जो है इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ऐप इंस्टॉल कर लिया हूँ। यहाँ पे फाइंड डिवाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है, फाइंड डिवाइस वाले पे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ऐप पे तो ये जो है आपके सामने में यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे आ जाता है। तो आपको वही ईमेल आईडी डालना है जो आप इस मोबाइल में दिए थे। चलिए हम यहाँ जो है ईमेल आईडी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो अगर नहीं आता है तो आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अपना लेना है साइन इन एंड गेस्ट, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, या आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है तो आप यहाँ से इसको जो है कंटिन्यू करके इस पर क्लिक कीजिएगा। और आप जो है अगर नहीं है इसमें तो आप जो इसमें पहले ऐड कर लीजिएगा और फिर जो है इसमें आप जो है इसको लॉगिन कर लेना। चलिए हम यहाँ से जो है पहले लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं लॉगिन कर लिया हूँ, तो यहाँ पर अलाउ का परमिशन मांग रहा है, आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। करते ही यहाँ पर देखिए कि आपका जो भी मोबाइल इसमें है अगर आपकी मोबाइल चोरी हो जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अगर आपका ये मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप दूसरे मोबाइल से जो इसको वही ईमेल आईडी डालिएगा जो इसमें डाले हुए थे, वही ईमेल आईडी आपको इसमें डालना है। और डालने के बाद जो है यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पर शो कर रहा है कि अब जो है आपके कितना परसेंट बैठी है, यहाँ पर देखिए 81%, और आपका जो भी मोबाइल चोरी हो गया उसका भी देखिए यहाँ पर 81% है, और ऊपर भी आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप किसी मोबाइल का जो है आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप दूसरे मोबाइल से उसका पता लगा सकते हैं कि कितना बैटरी बचा है, सिम निकाला है या बंद है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा और यहाँ पर देखिए कि आप प्ले साउंड कर सकते हैं, तो प्ले साउंड पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए साउंड आपका प्ले हो रहा है उसी मोबाइल में।
देखिए आपको इसी मोबाइल में आपका साउंड प्ले हो रहा है। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिए कि आपको दिखलाई दे रहा होगा सिक्योर डिवाइस, सिक्योर डिवाइस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आप जो है यहाँ पर टाइपिंग कुछ भी कर सकते हैं कि भैया मेरा मोबाइल नंबर दे, मोबाइल जो है हरा गया है वो दे दो, या कुछ भी यहाँ पर मैसेज टाइपिंग कर सकते हो। तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है अपना मैसेज टाइपिंग कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर जो टाइपिंग कर देता हूँ कि प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल, तो चलिए मैं यहाँ से फटाफट से जो है टाइपिंग कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं टाइपिंग कर दिया हूँ कि प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल यहाँ पर टाइपिंग कर दिया हूँ। अब यहाँ सिक्योर डिवाइस पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देते हैं। मैं यहाँ पर सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉलिंग आएगा और यहाँ पर आपको लिखा के आएगा कि प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल, यहाँ पर देखिए आ चुका है प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल। जो अगर ये मेरा मोबाइल हरा जाता है तो इसी तरीके से जो है इस पर जो है आता ही रहेगा। मैं यहाँ इसको जो लॉक हो गया, मैं इसको लॉक खोलता हूँ तो यही लिखा के आता रहेगा जो इस मोबाइल पर मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस मोबाइल पर यही लिखा के आता रहेगा जब तक लिखाता मैं इस पर मैसेज, इस मोबाइल से जो मैं मैसेज करते रहूँगा इस मोबाइल पर, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा के आता रहेगा प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल। अब आपको जो है एक ऑप्शन यहाँ पर बचाता है इरेज डिवाइस, जैसे ही इरेज डिवाइस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके इस मोबाइल में जो भी फोटो फाइल या कोई भी डेटा आपको इसमें है, आपको सेव करके रखे हुए हैं पिन कोड वगैरह, सारा सारा यहाँ पर इरेज डिवाइस पर क्लिक करते ही आपका इस मोबाइल जो हरा जाता है, इसका सारा डेटा जो है आपको डिलीट होकर हट जाता है। सो गाइस बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है अगर आपका कोई मोबाइल जो हरा जाता है, गूगल फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन को जो है लॉगिन करके रखिएगा और आपका मोबाइल हरा जाता है तो यहाँ पर देखिए यही लिखा के आ रहा है जो मैं यहाँ पे जो है इस मोबाइल से सेंड किया हूँ। तो अभी तक जो है यहाँ पे प्लीज़ रिटर्न माई लिखा के आ रहा है, मैं इसको करके रखूँगा तो ये जो है हरा जाएगा मेरा मोबाइल, तो वो जो है पर्सनल लॉक में खोल लेता हूँ इस तरीके से, तो जो भी मोबाइल मेरा जो लेगा वो मेरा मोबाइल को कुछ भी जो है यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। जब तक मैं ये जो सेंड सिस्टम अप्लाई कर दूंगा इस पर, मैं जैसे कुछ भी लिख के सेंड कर दूंगा तो यही जो है होता रहेगा और ये जो है पर्सन इसको खोल नहीं सकता है इस मोबाइल को, अगर आप जो है दूसरा मोबाइल से जो है कुछ भी सेंड कर देते हैं इस मोबाइल पे, तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल हरा गया है तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, आप चाहते हैं कि अपना इस मोबाइल में जो हरा गया है उसका सारा डाटा फाइल फोटो पिन कोड या आपका जो कोई पासबुक वगैरह आप फोटो रख रखे हैं तो आप चाहते हैं कि डिलीट हो जाए इस मोबाइल से, तो यहाँ पर इरेज डिवाइस पर क्लिक करिएगा तो इस मोबाइल पर जितने डेटा होगा, जितने फाइल फोटो वीडियो ऑडियो सारा सारा जो है डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये जो है बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, एक बार इसको यूज कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार ये एप्लीकेशन लगेगा और ये जो ऐप है हर मोबाइल में होना ही होना चाहिए। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइज आपने इस वीडियो में ये तो सीख ही लिया होगा कि अगर आपका कोई भी मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो अपने मोबाइल में जो भी डेटा है, जो भी फाइल फोटो ऑडियो वीडियो है, वो सारा का सारा डेटा आप कैसे जो है एक ही क्लिक में उसको जो हटा सकते हैं, उस पर्सन को कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसको जो है आप जो कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।